सेवा जोहर सगजन। तो चलिए सगजन आज जान लेते हैं कि 750 क्या है, व्हाट इज 750, और 750 मूल निवासियों के लिए महत्वपूर्ण क्या है, व्हाई 750 इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिजिनस पीपल। मनुष्य इस प्रकृति का ही अंश है, अतः प्रकृति के अन्य सत्वों की सेवा उसे सदा प्राप्त होती रहे इसलिए प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है, अर्थात जैव विविधता, जिसे इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। कोयावंशी गोंडीवेन सगा समुदाय को उसने, अर्थात पांधी पारी कुपार लिंगो जी ने, कुल 750 कुल गोत्रों में विभाजित किया और प्रत्येक कुल गोत्र के लिए एक पशु, एक पक्षी और एक वनस्पति को कुल चिन्ह के रूप में आवंटित किया। प्रत्येक कुल गोत्र धारक अपने कुल चिन्ह से संबंधित प्रकृति के सत्वों की सुरक्षा करते हैं, अर्थात 750 में से प्रत्येक गोत्र एक पशु, एक पक्षी और एक वनस्पति को संरक्षित करते हैं, अर्थात उसका भक्षण नहीं करते, और अपने कुल चिन्ह को छोड़कर अन्य जीव सत्वों का मात्र आवश्यकता अनुसार भक्षण भी करते हैं। इस तरह 750 कुल गोत्रधारक कोयामुरी द्वीप के कोयावंशी गोंडीवेन सगावेन गोंडोला, अर्थात जहाँ पे एक साथ सभी समुदाय के लोग निवास करते हैं उसे गोंडोला कहा जाता है, कि गण जीव एक साथ 750 × 3 = 2250 प्राकृतिक जीव सत्वों की एक और सुरक्षा भी करते हैं। जो 750 गोत्र है सगजन, वो अपने तीन, अगर एक प्रत्येक 750 गोत्र में से प्रत्येक गोत्र अपने टोटमों की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, संरक्षित करते हैं, तो 2250 होता है, और 2250 जीव सत्वों की एक और सुरक्षा भी करते हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहता है, अर्थात जैव विविधता बना रहता है। इस तरह सभी जीवों को प्रकृति की सेवा निरंतर प्राप्त होती रहे इसलिए प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने हेतु कोया पुणे मुठवा पहांदी पारी कुपाल लिंगों ने कोयावंशी गोंडोला के गणजियों को कोया पुनेम का मार्ग बताया, जो आज भी कायम है। लेकिन हमारे जो बहुत सारे इंडिजिनस है सगजन, वो अपने आप को 750 से अलग मानते हैं, वो 750 को सिर्फ गोंड की ही संपत्ति मानते हैं, लेकिन वैसा नहीं है सगजन। जितने भी इंडिजिनस पीपल है सभी के गोत्र इस 750 में समाहित है, भले ही वो अपने टोटम को भूल गए हैं। जिन चीज़ों को, जिस पशु को, जिस पक्षी को और जिस वनस्पति को संरक्षित उसे करना है, उसे आज हमारे ही इंडिजिनस समुदाय के लोग भूल चुके हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही सगजन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच पाए।